बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल मुत्तकीन, सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियम व आदमो बैनल मायवतीन वाल बैतिही तय्यिबीन ताहिरीनल मासूमीन अम्मा बादो फ़कत क़ालल्लाहु ताला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिसा अहले बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फर्श अदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई मलिक रजा कोकर साहब, जैन कोकर साहब और उनके आयजा करबा अहले खाना की मौला तौफीकात में इजाफा फरमा। कबूलियत के लम्हात हैं, मिलकर दुआ मांगे जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़दारी सैदुलशोहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सब के खुद ही हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ मिलकर मांगा करें पालने वाले, हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। सलवात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद व आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। आज की मजलिस जिस इमाम से मंसूब है वो इमामत का आठवां ताजदार है, जिसका नाम अली है और लकब रजा है। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान? नाम अली है और लकब रजा है, और शिया ने हैदर करार से बेहतर कौन जानता है कि अली अली होता है चाहे वो 6 महीने का हो या 66 बरस का। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं इसी इमाम का एक फरमान आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को शुरू कर दूंगा, फिर देखूंगा कि कौन कौन मेरे साथ कितना शरीक इबादत है। आठवीं सरकार फरमाते हैं कि मसलन मैं लाहौर से मजलिस पढ़ने के लिए आया हूं, ये मेरा कमाल नहीं है। बानियान ने ये फर्श अज़ा बिछाई है, ये उनका कमाल नहीं है। आप ये जिक्र सुनने के लिए आए हैं, ये आपका कमाल नहीं है। कमाल खुरासान के शहनशाह का है। मेरा आठवां मौला फरमाता है अगर कोई हमारा जिक्र सुनकर खुश होता है, नारे लगाता है, दाद देता है, अपना कमाल ना महसूस करे, हमारा शुक्रिया अदा करे कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब किया। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। बस मैंने भी देख लिया कि जिस जिसको मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में बोलने की आदत है, आप सारे मेरे अपने जाने पहचाने चेहरे तशरीफ फरमा हैं। मैंने कहा नाम अली है और लकब रजा है, और क्या कहने मेरे इस इमाम के। गुफ्तगू मैंने बगैर किसी तमीज के शुरू कर दी, चूंकि हमारे बासे तर्मजी हमारे घर के बच्चों के रखे हुए नाम बराए नाम होते हैं। घबरावे तो नहीं है, गर्मी जितनी आपके लिए उतनी मेरे लिए भी है, लेकिन जब नाम अली आ जाता है तो फिर हर किस्म का मौसम पीछे रह जाता है, क्योंकि अली का नाम ऐसा है कि जो गिरतों को थामता है, जो मुर्दों में जान डालता है। इसलिए आपने मेरा साथ देना है, थोड़ा थोड़ा सा बोलते आएंगे तो मैं गुफ्तगू आपके खिदमत में मज़ीद बेहतर अंदाज से पेश करूँगा। बड़ी ज़िंदगी, मौला आप सबको आबाद व शाद रखे। वो चेहरे कभी न मुरझाएं जो जिक्र अली में खुश होते हैं। मैंने कहा हमारे घर के
बच्चों के रखे हुए नाम बराए नाम होते हैं। यानी जब हम अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम रखते हैं तो चूंकि हमारी मुस्तकबिल पर निगाह नहीं होती तो इसलिए हमारा जो दिल चाहता है हम उसका नाम रख देते हैं, बेशक वो अपने नाम के बरक्स निकले। लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर में ऐसा नहीं है। अल्लाह इस घर में इस जिसे जिस नाम के लायक समझता है उसे वही नाम देता है। अल्लाह ने इस घराने में जिसे तारीफ के ज्यादा लायक समझा उसे मोहम्मद कह दिया, जहां बुलंदी नजर आई उसे अली कह दिया, जहां कोई और नमूना नजर ना आया उसे फातिमा कह दिया, जहां हुस्न नजर आया उसे हसन कह दिया, जहां ये सब कुछ इकट्ठा नजर आया उसे हुसैन कह दिया। बहुत मेहरबानी जना, बहुत शुक्रिया मौला, आबाद व शाद रखे बानी मजलिस की, मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं भी अभी पिछले महीने ज़ियारात पर था करबला मौला में, तो वहाँ बानियान ने मुझसे वादा लिया और मैं हाजिर खिदमत हूँ। पिछले साल में चूंकि मुल्क से बाहर था इसलिए नहीं हाजिर हो सका था, मगरना इन फैमिली के साथ मेरा अपना एक इनके साथ ताल्लुक, मौला इनको आबाद व शाद रखे और ये जिक्र मासूमीन अलैहिस्सलाम इनकी आने वाली नस्लों में भी कायम व दायम रखे, और जितने चेहरे यहाँ बैठे हैं परवरदिगारी ने किसी का मोहताज ना करे और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। मैंने कहा नाम अली है और लकब बोलिए रजा है। अल्लाह अकबर। ऐलान हो गया मशहद मुकद्दस से 50-60 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसका नाम है निशापुर। थके नहीं है तो पढ़ना चाहता हूं, कौन सा शहर है? निशापुर। जिन लोगों ने जियारत की है वो जानते हैं, और जो नहीं गए मौला उनको लेकर जाए, और जो गए हैं उन्हें बार बार लेकर जाए। जब पहली मर्तबा मेरे इमाम निशापुर तशरीफ लाए ना, तो वहां पर रहने वाले एक मोमिन ने ख्वाब देखा। क्या? कि रिसालत की कुर्सी सजी हुई है और रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए, और रसूल के कदमों में एक तश्त है और तश्त में कुछ खजूरें हैं। वो शख्स कहता मैं मजमे को अबूर करता हुआ नबी के पास गया ख्वाब में। मैंने कहा सलाम अलैका या नबी अल्लाह। सरकार ने मेरे सलाम का जवाब दिया। जवाब देने के बाद मैंने कहा सरकार कोई हदिया कोई तबर्रुक मिलेगा? फरमाया सरकार ने तश्त में हाथ डाला और कुछ खुरमे कुछ खजूरें मुझे दी। बहुत मेहरबानी। जो बोलना चाहता है इनके जिक्र में मेरी भी गुफ्तगू उन्हीं के साथ है, बाकी सिर्फ समझते रहें। वो कहते मैंने उन खुरमों को गिना तो वो 18 थे। उसने कहा मैं सुबह बेदार हुआ तो मैं सोचने लगा कि ख्वाब में नबी की जियारत की 18 खुरमे बतौर तोहफा मिले, बतौर हदिया मिले, बतौर तबर्रुक मिले, इसकी ताबीर क्या होगी। यह कहता अचानक मेरे कान में एक आवाज आई, लोगों जिसने इस दौर के मोहम्मद की जियारत करनी है वो निशापुर के मैदान में आ जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन हाथों की खैर जो मिदत मोहम्मद वाले मोहम्मद में बुलंद होते हैं। बहुत मेहरबानी। क्या कहा कि जिसने इस दौर में नबी की ज़ियारत करनी है, अली का अली बेटा हाय हाय इमाम अली रिदा अलैहिस्सलाम निशापुर तशरीफ लाए हैं तो आ जाओ। वो शख्स कहता मैं ऐलान सुना तो मैं वहां पहुंचा। उसने कहा मैं हैरान रह गया, बिल्कुल जैसा रात ख्वाब में देखा था। हाय 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 शाह जी लुत्फ नहीं लिया आपने, बात से थोड़ा सा और बोलना। क्या कहा? जिस तरह ख्वाब में मंजर देखा, कहता वैसे मंजर हकीकत में। अब मैंने अपने बुजुर्गों से दुआ लेनी है, नौजवान को बात समझ में आए तो वो बोल के इजहार करना, तवज्जो चाहूंगा। चूंकि जितना आप सुन रहे हैं ये मेरे भाई मलक जाफर की तरफ से ये मुल्तान नजरदारी के जरिए से लाइव जो है इस मजलिस की कवरेज हो रही है और पूरी दुनिया में देखी जा रही है, जरा मेरा साथ देना ताकि जो यहां नहीं है और दुनिया के किसी कोने में बैठे उनको मालूम तो हो कि आज यहां पर जिक्र इमाम रिजा अलैहिस्सलाम हो रहा है। उस इमाम का जिक्र हो रहा है जो किसी को मकरूज रहने नहीं देता, जो किसी को बीमार रहने नहीं देता, इसलिए बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। वो कहता मैंने देखा कि इमाम रात वाला ख्वाब, उसी तरह मिंबर है। अब मिंबर पर इमाम बैठे, उसने कहा इमाम के कदमों में एक तश्त रखा हुआ था, तश्त में खजूरें थी ना। उसने कहा तश्त में खजूरें थी,
उसने कहा मैं मौला के पास गया, मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेका या अली इब्ने मूसा रिजा, ए इमामत के आठवें ताजदार, ए अली के अली बेटे मेरा सलाम। उन्होंने कहा इमाम ने मेरे सलाम का जवाब दिया। उसने कहा मैंने भी रात ख्वाब की तरह इमाम से कहा, मैंने कहा मौला मुझे कोई तबर्रुक मिलेगा? कहा इमाम ने तश्त में हाथ डाला, इमाम ने खजूरें निकाली, मुझे थमाई। उसने कहा मैंने खजूरों को गिना तो तादाद में वो भी खुरमे 18 थे। नहीं लुत्फली आप साहिबान ने, नहीं लुत्फली आपने। उसने कहा वो खुरमे भी वो खजूरें भी 18 थी। उसने कहा मैंने इमाम के आगे तवज्जो हाथ जोड़ के कहा मौला क्या दो चार खजूरें मुझे और मिलेंगी? या इमाम ने मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के कहा अगर रात ख्वाब में नाना ने ज्यादा दी होती तो मैं भी देता। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह हू अकबर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरी तवक्को से बेहतर अंदाज में आपने समाप्त किया है। मौला आपको किसी का मकरूज ना करे और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम की। अल्लाह हू अकबर। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ ना, मौला के इस दौर में जो जाहिरी तौर पर बादशाह बना हुआ था उसका नाम मामून था। क्या नाम था? मामून। इसने अपने वजीरों से मशवरा किया, इसने कहा मेरा दिल करता है कि मैं माजल्ला अपने दरबार में बुलाकर माजल्ला सुमा माजल्ला इमाम की तौहीन करूं। लोगों ने कहा इसमें मसला क्या है, तू इमाम को बुला। हां, मामून कहता है फिर जब शियों के इमाम रिजा घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान? देखिए आप इतने अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं तो मेरा दिल कर रहा है कि इस गर्मी में मैं भी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ूं अगर आप बोलें तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इलाही आमीन जी। मौला आपको आबाद रखे, बड़ी मेहरबानी जी। आमीन जी, आमीन जी, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही। घबराए तो नहीं साहिबान? बिस्मिल्लाह। मौला खैर करसी इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। बस ठीक है, मजलिस तो बात तो मिलसी इंशाल्लाह। घबराए तो नहीं आप साहिबान? बस मैं तो देखिएगा क्या बात हो रही थी। मामून ने बिस्मिल्लाह, हाँ ये मैं सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए पूछा। उसने कहा जब शियों के इमाम रिजा दरबार में आए तो उसने कहा जो मेरे महल के आगे पर्दे लटके हुए हैं ना, इन्हें इमाम के आने पर कोई ना हटाए। इमाम जब खुद अपने हाथ से हटाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे नजदीक उनकी कोई इज्जत नहीं है, तो वो आ जाएंगे। अब मैं एक जुमला कहूंगा और देखूंगा कि कौन बुट सरगाना रहना चाहता है और कौन बगैर वीजे पासपोर्ट के नजफ जाना चाहता है। मैंने तो इस जुमले के ऊपर अंदाजा लगाना है। उसने ऐलान कर दिया, उसने कहा जब इमाम आए तो कोई इमाम की ताजीम एहतराम के लिए ना पर्दे हटाए ना अपनी जगह छोड़े। पागल था, जानता नहीं था कि दरबार में आने वाला अली है और जब अली आने पर तुल जाए तो काबा की दीवार भी रास्ता नहीं रोकती। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। घबराए हुए तो नहीं? जब अली आने पर तुल जाए तो बैतुल्लाह की दीवार भी रास्ता देती है। तो जैसे इमाम रिजा अलैहिस्सलाम, देखिए मैं आपके सामने कोई और मौजू भी पढ़ सकता था, आपको खैबर खंदक भी सुना सकता था, लेकिन ये मेरे मनसब का तकाजा नहीं है। चूंकि मजलिस मंसूब मेरे इमाम से तो मेरा दिल है कि मैं अपने इस इमाम की शान में जुमले सुनाऊं आपको। और बहुत शुक्र गुजार हूँ आपका कि आप इतनी तवज्जो और इतने के साथ समात कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। बस बोलते रहिएगा, चूंकि इनके जिक्र में बोलना इबादत है और हम जो बार बार कहते हैं ना इनके जिक्र में बोलो, इसके अंदर पढ़ने वाले का फायदा नहीं है, आप सबका, हमारा सबका फायदा है। चटे मौला के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मुझे कोई ऐसी हदीस बताएं कि मेरी नस्लों के काम आए। इमाम फरमाते फिर सुन, जो भी हमारा मानने वाला है ना वो दुनिया में हमारे साथ एक मुआहदा कर ले। साहिल ने कहा मौला कैसा मुआहदा? फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। इमाम जैसे ही तशरीफ लाए तो पर्दे अपने आप हट गए, जो कुर्सियों पर बैठे थे वो खड़े हो गए। बासित अगर बोलो तो एक जुमला कहूं, जैसे इमाम खरामा खरामा तख्त की तरफ चले तो पीछे से किसी एक शख्स ने तंज किया, कहेंगे मामून ये आने वाला कौन है? अब मैंने देखना है आप कितने बेदार हैं, ये आने वाला कौन है? बस ये कहना था या अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। हाय हाय बहुत मेहरबानी जनाब, जैसे कहा ना आने वाला कौन है, इमाम पलटे और उसकी तरफ देखा और इमाम ने फरमाया पहले तू बता के तू कौन है। हाय हाय बोलो, पहले तू बता कि तू कौन है। कहने लगा मैं मुसलमान हूं। ना 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 ना, शिया सुन्नी दोस्त बैठे हैं बोलिएगा जरूर। कहने लगा मैं मुसलमान हूं। इमाम फरमाते मुसलमान है? कहने लगा जी। इमाम फरमाते नमाज पढ़ता है? बोलो। कहने लगा पढ़ता हूं और नमाज पढ़नी चाहिए। अली का शिया और बेनमाज दो मुतजाद बातें, हुसैन का आजादार हो जंजीर जनो नमाज ना पढ़ता ये हो ही नहीं सकता। लोग नमाज पढ़ते उनका एक काम होता है, हम नमाज पढ़ते हमारे दो काम होते हैं। लोग नमाज पढ़ते अल्लाह की इबादत होती है, हम नमाज पढ़ते अल्लाह की इबादत होती है 14 की जियारत होती है। लुत्फ लिया सब ने बोला मौला आपको आबादो शादर के मेरे भाइयों की खैर हो। ये मुल्तान से पूरी दुनिया में लाइव कवरेज करने के लिए मुल्तान आजादारी वाले मलक जाफर वगैरह यहाँ आए हैं, मालिक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, क्योंकि जब इनके जरिए से पूरी दुनिया में मजलिस देखी जाती है तो लोग फिर इनके हक में और फिर बानियान के हक में फिर सुनने वालों के हक में दुआएं करते हैं। इमाम फरमाते तू कौन है? कहने का मुसलमान। इमाम फरमाते नमाज पढ़ता है? कहने का जी। हाय हाय। इमाम फरमाते नमाज में क्या पढ़ता है? हाय हाय। इसी का तो लुत्फ है, नमाज में क्या पढ़ता है? कहने का सूरह हम्द पढ़ता हूं। इमाम ने कहा और? कहने का सूरह कद्र पढ़ता हूं। अब आप मेरी तरफ देखेंगे तो लुत्फ आएगा। इमाम ने इसके तरीके का लानत हो तुझ पर, मुसलमान भी है, नमाज भी पढ़ता है, सूरह हम्द भी पढ़ता है, सूरह कद्र भी पढ़ता है, अब भी पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। आया अल्लाह या अली, घबराए हुए नहीं? फरमाया सूरह हम्द भी पढ़ता है, सूरह कद्र भी पढ़ता है और अब भी पूछ रहा है हाय हाय कि मैं कौन हूं। तो इमाम फरमाते फिर मामून तू भी सुन और तेरे दरबारी भी सुने कि मैं कौन हूं। इमाम ने जो तीन जुमलों में अपना तारुफ करवाया, अगर आप बेदार हैं तो वो मैं आपको सुनाऊं। इमाम ने फरमाया मामून तू भी सुन और तेरे हवारी भी सुने मैं कौन हूं। इमाम फरमाते सुन, मेरा नाना, मेरा नाना, मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका कोई दिल नहीं है। हाय 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 बहुत मेहरबानी, जो हाथ खड़े हुए हैं उन्हें मैं वाह वाह करता हूं, जो नहीं खड़े हो सके कोशिश करता हूं कि अगले जुमले पर वो सब बोलने। क्या फरमाया? मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका कोई दिल नहीं है। इमाम फरमाते मेरा बाबा अली उसका चेहरा है जिसका कोई चेहरा नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया इन हाथों। मैं तो आपका पहले ही शुक्र गुजार हूं मौला, आपको इस गर्मी के अंदर आपका आ जाना ही काफी है, फिर आकर बोलना और बोलकर फिर इनकी मदा में हाथ बुलंद करके दाद देना। खुदा उन हाथों को कभी किसी का मोहताज ना करे जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। इमाम फरमाते मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका कोई दिल नहीं है, मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका कोई चेहरा नहीं है, इमाम फरमाते मेरी माँ उसका पर्दा है जिसका कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी जनाब, फरमाए मेरी माँ, बोलो, उसका पर्दा है जिसका कोई, बोलिए। और इमाम करीम इतना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाय हाय, चलिए जिसकी हुकूमत ईरान मकरूज हो, जिसका लकब ही आप जब नमाज पढ़ते हैं या मजलिस पढ़ते हैं, जब आप जियारत पढ़ते हैं इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की,
क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे बेअदबी से पढ़ना आता नहीं है, ये अदब का मिंबर है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे अल्फाज इनकी शान में बयान हो जो इनकी शायान शान हो। मैंने कहा इमाम अली रिदा अलैहिस्सलाम का जब आप ज़ियारत पढ़ते तो आप उसमें एक जुमला पढ़ते, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम। हाय 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 हाय, कहां का सुल्तान? बहुत शुक्रिया, अरब अजम का। तो फिर अल्लाह जाने उस इमाम की सखावत कितनी होगी। किसी ने नौवे मौला से कहा था ना, कहने का मौला आपके बाबा इतना बड़ा सुल्तान कि अरब तो अरब, अजम का भी सुल्तान है। जो मेरे इमाम ने जवाब दिया वो समाप्त कीजिए। इमाम फरमाते ये तो लोगों की अकल के मुताबिक हम सलाम भेजते हैं कि वो सुल्तान अरब वाला जम है, वरना फरमाया जहां जहां उसकी कायनात है, बस्ती है, मेरा बाबा उस जगह का सुल्तान है। बहुत शुक्रिया। और देने पर आए सखावत इमाम की। एक जुमला सखावत का और एक जुमला और कहना चाहता हूं। सखावत इतनी कि देने पर आए तो बड़े दरबार के अंदर आकर एक फकीर कह दे मौला मेरे घर खाने को कुछ नहीं है। इमाम फरमाते खाने को नहीं है? नहीं। और मौला मकरूज हूं। इमाम फरमाते ले ये सामने मेरी नालेन पड़ी है, बोलो ये ले जा। मौला इस नालेन से होगा क्या? फरमाया कुछ भी नहीं तो तेरी सात नस्लें सवर जाएंगी। हाय 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 हाय। देखिए ज्यों ज्यों मैं मौला का जिक्र कर रहा हूं तो आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, दोनों तरफ से मौसम भी बेहतर होता जा रहा है और हवा भी चल रही है, और यकीनन हवा के दोष पे पता नहीं किसकी आवाज खुरासान के शहनशाह की बारगाह में मशहद मुकद्दस पहुंच जाए और उसी का बुलावा आ जाए। मैं तो आप सबके और अपने समेत उस इमाम की जवारी पर जाने के लिए मैं ये जुमले पढ़ रहा हूँ। कहने का मौला मैं मकरूज हूँ। इमाम ने कहा कितना मकरूज है? मौला बहुत ज्यादा। इमाम ने कहा मेरी नालेन ले जा। मौला नालेन लेकर जाऊंगा तो होगा क्या? फरमाया कम अज कम तेरी सात नस्लें सवर जाएंगी। अब आप मेरी तरफ देखेंगे तो लुत्फ आएगा। बड़े दरबार में मौला की नालेन ली, बोसा लिया, पहले सीने पर रखी, फिर सर पर रखी। सर पर रख के जो जा रहा था रास्ते के अंदर एक उस वक्त का मारूफ ताजिर, मारूफ करखी जिसका नाम था, वो मिला जो ऊंट 100 ऊंट अंबरों कस्तूरी के लेकर आ रहा था। उसने कहा हैं वो जूती जो पाँव में रखने की है इसने सर पे रखी हुई है, यकीनन कोई राज वाली बात है। इसने उस शख्स से कहा कि तू जानता नहीं है कि जूती पाँव में पहनते, तूने सर पे क्यों रखी है? उसने मारूफ की तरह देख कर कहा अगर मेरी होती तो पाँव में पहनता। हाय हाय हाय। बोलिएगा बोलिएगा जिसे मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में बोलना आता है, बस मेरे साथ ही कहा अगर, क्या कहा बोलो? अगर मेरी होती। बस मेरे बाद मेरे भाई बहुत अच्छे पढ़ने वाले, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है जनाबे मुर्तजा कंबर साहब तशरीफ ले आए, यकीनन मेरी बात खिताब फरमाएंगे। बस आज का नतीजा और इसी पर दुआ। साहिल ने कहा मेरी होती तो रखता। उसने कहा किसकी है? कहने लगा इमाम की है। वो ताजिर कहने लगा इमाम की नालेन है, मुझे फरोख करेगा? साहिल कहने लगा इसकी कीमत तो क्या देगा? उसने कहा इतनी दूंगा कम से कम तेरी सात नस्लें बैठकर खाएंगी। साहिल ने फौरन जूती देकर कहा रख ले, इमाम ने भी यही फरमाया है। तवज्जो है। ये सारी बातें आपके लिए की, एक बात अपने भाई मुर्तजा कंबर साहब के लिए करना चाहता हूं कि इस इमाम का लकब है जामिने आले मोहम्मद। बोलिए जामिने आहू, आपने सुन रखा जामिने आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की तरफ से जमानत देने वाला। हाय हाय। इसलिए इमाम फरमाते कि जिस शख्स ने मेरी जियारत की होगी या मेरी जियारत का शौक रखता होगा, अल्लाह इमाम फरमाते बहुत मेहरबानी जनाब हुजूर आपकी दुआ का तालिब। फरमाते हैं इमाम कि फिर वो मुतमईन होकर मर जाए, मैं रिजा तीन जगह उसके काम आऊंगा। मौला कौन सी? फरमाया जब उसके आयदा करवा उसे मनो मट्टी में दफना कर चले जाएंगे, मैं रिजा उसे अपना दीदार कराऊंगा। हाय हाय। दूसरा मौका
फरमाया जब वो उसे पुले सरात से गुजारा जाएगा। हाय हाय, एक जुमला यहां पर कह दूं, एक जुमला कौन भाई मुर्तजा, मैदान हश्र में ना हर कोई अपने अपने रहबर को तलाश कर रहा होगा। हाय हाय, आदम के चाहने वाले आदम को, नूह के चाहने वाले नूह को, अली के चाहने वाले अली को, सुल्तान करबला के चाहने वाले सुल्तान करबला को, हर कोई ढूंढ रहा होगा। इमाम फरमाते इमाम रिजा कि जिसने मेरी जियारत की होगी या मेरी जियारत का शौक रखता हुआ और मर गया होगा तो फरमाया फिर मुतमईन होकर मर जाए। हश्र में हर कोई अपने रहबर को ढूंढ रहा होगा, जिसने मेरी जियारत की होगी मैं रिजा उसे तलाश कर रहा हूँ। ताकि दुनिया को, बिस्मिल्लाह जी, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जामिने आलिम हूं। और फिर मैंने आपसे पहले कहा कि बानी हनी मजलिस का मेरा ये करबला मौला का वादा था, जिस वादे को निभाने के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ, और इंशाल्लाह जब जब वो बुलाते रहेंगे मैं आता रहूँगा। और मौला कारवाने अल्लाबास की भी तौफीकात में इजाफा फरमाए, जैन रजा कोकर, मलक रजा कोकर साहब, उनके आयजा करबा की मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम का एक फरमान आज का समाप्त कीजिए और उसी पर आज की गुफ्तगू तमाम। इमाम फरमाते कोई शख्स उस वक्त तक मेरे दादा हुसैन के रोज़े की जाली नहीं चूम सकता जब तक मैं रिजा इजाज़त ना दे दूँ। और भाई मुर्तजा क्या कहने होंगे उस इमाम के कि जिसकी जरी की जाली तो बहुत दूर की बात, जिसके घर के सहन में लगी हुई सबील शिफा देती हो। हाय हाय, बस बयान मैंने अपना आज का समेट लिया, एक जुमला आपको सुनाऊं, यही मेरा आज का फजाइल है और यही मेरा आज का मसाइब है। तकरीबन 4 साल पहले एक, अब तो वो मोजा यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था कि एक माजूर बच्ची को इमाम रिजा अलैह सलाम के हरम में शिफा मिली। नहीं, सलवात पढ़नी है तो फिर बाबा से बुलंद पढ़िएगा, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर, ला तादाद बीमारों को शिफा मिलती है वहां, इसमें कोई शक ही नहीं। मेरे भाई हैं जनाबे मीर हसन साहब, उनके दो मिसरे मुझे याद है, वो कहते हैं मशहद मुकद्दस वाले शहनशाह की बारगाह में कि सुना है आप खुद देने शिफा को आते हैं, सुना है आप खुद शिफा देने को आते हैं, सो इस बार मैं भी होके देखूंगा बीमार मशहद में। हाय हाय हाय, नहीं लुत्फ लिया आपने हैं कि मुझे मालूम है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो शिफा देने इमाम आते हैं। इसी तरह एक माजूर बच्ची को शिफा मिली, जिसकी सिन तकरीबन कोई 12-14 साल का था, तो जब उसे शिफा मिली तो लोग उसके पीछे दौड़े, तो खुदाम उसको लेकर अपने दफ्तर में आ गए। बच्ची जब रो रो के जरा आराम से इत्मीनान से बैठी तो हजारों का हुआ था तवज्जो, उस बच्ची ने कहा कि मेरे बाबा को बुलाओ। उसने, उसका बाप आया और बेटी को शिफा याब देखा तो धाड़े मारकर रोने लगा। बेटी से कहने लगा क्या हुआ था? उसने कहा इमाम, बस आप मेरी तरफ देखिएगा, इमाम मुझे शिफा देने के लिए तशरीफ लाए थे, इमाम मुझे खुद शिफा देने, बोलो, तशरीफ लाए थे। नतीजा आज का, उसने कहा इमाम ने कोई बात कही? उसने कहा हां, इमाम ने कहा था कि अपने बाप से कहना कि अब तो कुम जाकर मेरा शिकवा नहीं करेगा। ये कहना था, ये वो शख्स जारो कितार रोने लगा। लोगों ने उससे कहा कि ये क्या मामला है? उसने कहा मैं पिछले साल भी आया था और मेरी बेटी को शिफा नहीं मिली, तो मैंने इस बार जब अपनी बेटी को इमाम की जाली के साथ बांधा था तो मैंने इमाम से फरमाया था, इमाम मेरी बेटी अब जवान हो रही है, मैं बीमार बेटी को घर में नहीं रख सकता, अगर आपने इसे शिफा ना दी तो मैं कुम जाकर आपकी बहन से शिकवा करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं कुम जाकर अपनी आपकी बहन से शिकवा करूंगा। तो उसने कहा अब मुझे मालूम हुआ कि इमाम ने क्यों फरमाया कि जाकर कह दे कि अब तो मेरी बहन से शिकवा नहीं करेगा। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया,
बहुत प्यार था। आले मोहम्मद के घर में हर बहन ने अपने भाई के साथ प्यार की इंतहा कर दी। चूंकि इख्तिताम में जिन्हें इमाम की शहादत पढ़ना है वो आपको इमाम की शहादत सुनाएंगे, मगर मैं हुजूर आपको बतलाना चाहता हूँ, अगर रो सकते तो रो लीजिएगा, मालूम नहीं कि किसके पहलू में जनाब सज्जाद बैठे हों। और पर्दे में जो अली की बेटियाँ आती हैं वो हमसे फ़जाइल सुनने नहीं आती, वो तो ये देखने आती है कौन मेरे हुसैन को कितना रोता है। और जब कोई धाड़े मार कर हुसैन को रोता है तो वो बीबियाँ रोकर कहती परवरदिगार इसे किसी और गम में ना रोलाना, ये मेरे उस हुसैन को रो रहा है जिसकी लाश पर उसकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, तैयारी करो, तैयारी करो। बस मैंने एक का एक जुमला कहना है। मैंने कहा तीन बहनें, आज क्या एक जुमला समाप्त कीजिए और इसी पे दुआ। तीन बहनें आले मोहम्मद के घर में ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने भाइयों के साथ मोहब्बत की इंतहा कर दी। मेरे सामने सादात मोमिनीन तशरीफ फरमा है। पहली बहन मासूमा कुम कि जिसने इमाम रजा से अपनी मोहब्बत की इंतहा कर दी, कि जब इमाम की शहादत का वक्त करीब आया ना तो अबू सलत जब कैद खाने में आया तो इमाम ने रोकर फरमाया अबू सलत आज मेरी आखिरी रात है, और अबू सलत तूने भी आने में देर कर दी। हाथ जोड़ के कहने लगा मौला बाहर बला का तूफान है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, मौला इस्लामी किसी मर्द का घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इमाम रोने लगे। अबू सलत ने कहा मौला क्यों रोते हैं? इमाम ने कहा जरा मेरी दो उंगलियों में देख। अबू सलत ने देखा, इमाम ने कहा क्या देखा? मौला कुम की पहाड़ी है, एक बीबी है जो कभी बैठती है कभी खड़ी होती है और रो रो के कहती है भैया रजा मरने में जल्दी नहीं करनी। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपके आंसू को कबूल फरमाए, हाथ ना बांधिएगा, मैं खुद सैयद को खोल के नहीं पढ़ सकता। दूसरी बहन वो है जो 70 कदम के फासले पर सर पे कुरान रखकर रो रो कर कहती रही शिमर ना मार मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला। अजरकुम अल्लाह, शिमर ना मार मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला है। मैंने जल्दी इसलिए किया कि मैंने एक एक जुमला जो आज का सुनाना है वो आपको मैंने तीसरी बहन की मोहब्बत का सुनाना है, और वो भी उस किसी बहन भाई या किसी मासूम की जबानी नहीं, खुद दुश्मन की जबानी। के दरबारे यजीद में उमर इब्ने साद ने, अल्लाह इस पर लानत करे, इसने शिमर से कहा कि करबला से शाम तक तू हुसैन की यतीमा पर जुल्म करता आया है, हुसैन की बेटी पर जुल्म करता आया है, कोई ऐसा जुल्म है जिसे करते हुए तू परेशान हुआ हो, हैरान हुआ हो? शिमर ने कहा हाँ, अभी एक मैंने ऐसा जुल्म किया कि मैं हैरान हो गया। उसने कहा कौन सा? उसने कहा करबला से शाम तक मैं जब भी अपने लश्कर को पानी पिलाता था, हुसैन की बेटी सकीना पानी का जाम लाती और मुझे कहती शिमर एक जाम पानी का दे दे। वो कहता मैंने पूरे लश्कर को पानी पिलाता, पानी पिलाने के बाद मैं बच्ची के सामने बाकी पानी जमीन पे बहा देता, बच्ची कूजा वहीं रखती, फुरात की तरफ देखती और रो के कहती चाचा अब्बास आज भी पानी नहीं मिला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, आज भी पानी नहीं मिला। उसने कहा करबला में भी मैंने ऐसे किया, कूफा के बाजार में भी मैंने ऐसे किया। मौला आपके आंसू को कबूल करे, आपकी हाय निकली सैयदा अपनी बारगाह में कबूल करे। वो कहता मैंने शाम के बाजारों में भी ऐसा किया। उसने कहा दरबारे शाम से थोड़ी देर पहले मैं अपने लश्कर को पानी पिला रहा था या हुसैन की बेटी सकीना सलामुल्लाह मेरे पास पानी का जाम लाई और कहने लगी शिमर अब तो दरबार करीब आ गया, अब तो मुझे पानी दे दे, मातम करना है तो मैं तब देखना। कहता मैंने दिल में फैसला किया आज बच्ची को पानी देता हूं मगर पीने नहीं दूंगा, जब पीने लगेगी मैं तमाचा लगाकर बच्ची के हाथ से जाम को छीन लूंगा। उसने कहा मगर मैं हैरान रह गया, मैंने बच्ची के जाम में पानी डाला, बच्ची ने पानी खुद नहीं पिया बल्कि पानी का जाम वहां लेकर गई जहां जंजीरों में जकड़ा सैयद सज्जाद बैठा था, पानी भाई की बेड़ियों पे डाला और रो के कहा भैया सज्जाद मुझे माफ करना, करबला से शाम तक अगर मुझे पानी मिलता तो मैं खुद ना पीती, मैं तेरी बेड़ियों पर डालती, मुझे मालूम है धूप ज्यादा है और इन बेड़ियों ने तेरे पांव का गोश्त खा लिया।